स्कूल है थर्ड गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बरब। गुड मॉर्निंग, हम लोग यूपीएस बरब स्टूडेंट्स है। हम लोग आज आप लोग को ड्रामा दिखाएंगे, वो ड्रामा कहानी पीने वाला फैमिली से बिलोंग करता है और ये ड्रामा लोकल भाषा से बनाया गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ड्रामा देख के आप सबको अच्छा लगे। धन्यवाद। अभी शुरू करेंगे। अभी सुबह का 5 बजे होता है। ये सुबह 5 बजे उठ के ये औरत जो है कहानी बना रही है। कहानी बनाने के लिए तैयार है ये जो जितना भी औरत है। सुबह 5 बजे जगह है, आग जला रही है। घर की तो बेटी वो अपना पापा को उठाने जाते हैं, उसका पापा नहीं उठते हैं। अच्छा नहीं खोचो नुजो अच्छा नहीं बोला अच्छा नहीं और अभी खेत में जाने के लिए रेडी करते हैं। बेटी और माँ खेत में जाता है और पापा बाद में उठ जाता है। अभी उसका पिताजी जो है 10 बजे में जाग गया, अपना पापा को खाना मांग रहा है। अच्छा हम कहूँ ना बनी कहानी बच्चे तू बेटा चलो का आजा अपा चलो के नहीं है तो चेक तुम वो बना फोन ने को को डाले अपन यहां देखो को जो बुलाओ ता जोंगे जीते को करके को कदा कदा चलो का पापा जो कहानी के लिए बेटी से झगड़ा कर रहा है। ता जो जो वो खोल के गया था और उसका बेटी पानी लेने जाता है, उसमें उसका पापा पानी पी लेता है और बेटी गुस्सा होती है। अपा बना वो कहानी चले जो सीधे तब को था आयो अपा ये चीते मो पापा जो पानी मार मैं जम तक निपटो ना चीते तब चला के और बेटी बहुत परेशान हो जाती है कि मैं अपनी माँ को क्या बताऊंगी। शाम होते ही माँ और बेटी खेत से आ जाती है। कहीं बता नहीं अलग अलग जो मैं खेत में गाँव को और उसका माँ और बेटी आ जाता है और वो पापा सो जाता है कि मुझे गाली दे गए मैंने पानी पी लिया। और बेटी अपनी माँ और बहन को पानी देता है। और बेटा बता रहा होता है कि पापा ने पानी पिया है और उसका गुस्सा होता है और बात बेटी पे गुस्सा करती है। और ये भी झगड़ा हो जाता है पानी की वजह से। माँ और पापा में झगड़ा हो जाता है पानी के लिए। पापा सुधी को घर से बाहर निकाल देता है और 2 दिन के बाद कहानी तो छोड़ूंगी कभी के नहीं पानी ढूंढने चला जाता है।
और ये ड्रामा यही पे समाप्त होते हैं। सबको धन्यवाद। और ये ड्रामा से हमें ये सीख मिलता है कि हमें पानी नहीं पीना चाहिए, पानी पीने से सेहत के लिए हानिकारक होता है। और जो आदमी पानी पीता है वो ना तो अपना परिवार को खुशी दे सकता है, ना अपना बच्चा को ठीक से पढ़ा सकता है। इसके लिए हमें पानी नहीं पीना चाहिए। धन्यवाद सभी को।